न्यू कराची के करीब तोलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। 13 पायटेंडर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वजीर आजम इमरान खान आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर वजीर आला सिंध सनअतकारों ताजरों से मुलाकातें। कराची की तरक्याती मनसूबों के हवाले से अहम इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर उजा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह और मुकदमा की समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बाद चीफ जस्टिस के एजाज में इशारा देगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एमकेएम की महफिल मिलाद में धमाके की तहकीकात जारी। धमाका देसी साख्त बम से किया गया। क्रैकर में 250 से 300 ग्राम बारूद था। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर सरगोधा रावलपिंडी गुजरामाला डीजी खान रवैये में आज शाम बारिश का इम्कान। कोयटा मालाकंड मरदान पेशावर कुहाट बन्नू में भी बादल बरसनेंगे। सबा चित्राल गिरगे बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी होगी। अमरीकी फौज के नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जनरल मार्क मिली की नामजदगी। जनरल जोसेफ की जगह लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जनरल मार्क मिली इराक और अफगानिस्तान में अफवाज की कमान संभाल चुके हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन बनने के लिए सेनेट से तौसी दरकार। और बरतानिया में कीमियाई हमलों की साजिश का खतरा। हुकाम का कहना है जेर जमीन रेलवे स्टेशन पर क्लोरीन बमों के हमले का खदशा है। दाइश के दहशतगर्दों की गुफ्तगू रिकॉर्ड होने से साजिश का इल्म हुआ।